नमस्कार दोस्तों, ये गेहूं का आटा है और ये चावल का आटा है और ये पका हुआ चावल है। दोस्तों ये पका हुआ चावल है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा सत्तू, चने का सत्तू है, भुना हुआ चने का सत्तू। इसको हम एक में मिक्स करेंगे दोस्तों, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कौन कौन सा चीज़ कितना डालना है दोस्तों लास्ट में बताएंगे आप लोग को, कितना कितना डालना है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। ये ऑलराउंडर चारा है दोस्तों, ये ऑलराउंडर चारा है। देखिए इसमें नारियल का तेल मिलाना है, हल्का सा कोकोनट ऑयल। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए दोस्तों इसमें क्या क्या डल रहा है और क्या क्या हम डालेंगे इसमें। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद समझिए। ये ऑलराउंडर चारा है दोस्तों, ऑलराउंडर चारा। इस पर कि खास करके रोहू और कतला और ये कॉमन कार्प फिश और एक कालीबूस होती है, कालीबूस वो धरने का चांस है इस पर। ये बहुत ही बेहतरीन चारा है दोस्तों, इसको इस्तेमाल किए हैं हम, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। ये इस्तेमाल किया हुआ चारा है दोस्तों, बहुत ही इसका बेहतरीन रिजल्ट है। आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। इसको अच्छी तरह से मिलाना एक कला है दोस्तों, इसमें डालने से कुछ नहीं होता है। इसको जितना अच्छी से मिलाओगे उतना ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। इसमें हम डालेंगे, देखिए दोस्तों ये है, देखिए ये है महुआ, महुआ जो बना कर रखे हैं वही है दोस्तों। ये महुआ का पास इसे हम लोग बोलते हैं, ये वही है। आप लोग ये नहीं मिलेगा दोस्तों तो आप लोग मिठाई का गांध यूज कर सकते हैं, मिठाई का रस जो होता है उसे यूज कर सकते हैं, या गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये मिठास के लिए बस केवल डाला जाता है, क्योंकि हल्का फुल्का मिठास आए इसमें, इसीलिए डाला जाता है इसे। अगर आप लोग महुए का जो सिरका बनाना चाहते हैं तो आप लोग को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। खास करके मैं ये वीडियो बना चुका हूँ एक बार दोस्तों, ये महुए का जो बनाया है ना सिरका, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ एक बार। मैं इस वीडियो के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। इसको अच्छी तरह से पहले मिलाना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है दोस्तों, पूरा पसीना पसीना हो गया है मेरा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को कैसे कैसे क्या करना है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए पहले। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं भाई वो लाइक कर दीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन का घंटी है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगा आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाएगा दोस्तों। आप लोग चारा बनाना सीख जाइए दोस्तों, कैसे मैं बना रहा हूँ अब ये देख लीजिए आप लोग। आप लोग वीडियो स्किप करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा दोस्तों, आप लोग पूरी अच्छी तरह से देखिए क्या क्या मिला रहा हूँ। देखो अब इसमें हल्का सा पानी जाएगा दोस्तों, हल्का हल्का पानी डालना है। हमारा तो अंदाज है दोस्तों, कितने डालेंगे तो कितने सही हो जाएगा, आप लोग हिसाब से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा पानी, ज़्यादा गील मत कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो चावल का और गेहूं का जो आटा था वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को कितना कितना डालना है। गेहूं का आटा है दोस्तों, उसे एक पाव ले लीजिए, और जो चावल का आटा है उसे आधा पाव ले लीजिए, और ये चने का सत्तू है दोस्तों उसको भी आधा पाव ले लीजिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं चारा तो उसके हिसाब से बना लीजिएगा दोस्तों। और इसमें हल्का सा पका हुआ चावल डालना है आपको, ज़्यादा नहीं हल्का सा, क्योंकि आटे को टाइट पकड़ बनाने के लिए, आटे में लस्सी लाने के लिए, क्योंकि आटा गलेगा नहीं चावल डाल देंगे तो। हल्का सा ज़्यादा चावल डाल देना भी दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि गील हो जाता है आटा पूरा।
पसीजता रहता है ना चावल का आटा जो है वो पसीजता रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग को थोड़ा सा डालना है चावल का आटा। हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे दोस्तों, इसको मिलाना ही सबसे बड़ी कला है दोस्तों। ब्रेड बनाना कोई खास कला नहीं है, इसको अच्छी तरह से मिलाना है दोस्तों, वही कला है इसको। जितना अच्छी तरह से मिलाओगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। आप लोग इस चारे से कहीं पर शिकार कर सकते हैं दोस्तों, नदी में भी कर सकते हैं, तालाब में भी कर सकते हैं, हम तो हमेशा नदी में शिकार करते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे, हम हमेशा नदी में शिकार करते हैं, गंगा नदी में। आप लोग कहीं पर भी कर सकते हैं शिकार, आटा ये कहीं पर काम करेगा दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन आटा है दोस्तों। ये आप लोग इसे यूज कीजिए एक बार, उसके बाद मुझे बताइए कैसा रिजल्ट है इसका। लगभग ये हमारा चारा बनकर रेडी हो गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखिए। और हाँ, मेरा भी हालत बहुत बुरा हो गया है दोस्तों, क्योंकि पसीना बहुत होता है ना, देखिए कितना मेहनत लगा है मेरे को, पूरा भींग गया पसीने से, देखिए मेरा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में, क्योंकि इसको जितना डालना है वो चीज़ तो आदमी जुगाड़ लेता है, लेकिन मेहनत नहीं कर पाता है अच्छी तरह से, इसीलिए नहीं शिकार हो पाता है। उन लोग को हम बता रहे हैं दोस्तों, जितना बेहतरीन से मिलाओगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। आप लोग अच्छी से मिलाइए दोस्तों, आप लोग देखिए, देखो ये कितना बेहतरीन बैठ हो गया है, इतना छोटा छोटा करके लगाइए। जब्बू पे भी शिकार कीजिए, फिशिंग फ्लोट फ्लोट पे भी कीजिएगा आप दोस्तों, तो ये आटा काम करता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमारा आटा कंप्लीट हो गया है बन करके, रेडी हो गया चारा। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ यार मेरा सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि आप लोग का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा दोस्तों, तो हम बहुत